हमारे बीच में है मदनलाल वाल्मीकि जी, जो समाज सेवी हैं और बरसों से काम कर रहे हैं। आज जो अप्रेंटिस जो लड़के हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ समय पहले इन जो लड़कों ने जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने नग्न अवस्था के अंदर मार्च किया, ये सरकार को दिखाने के लिए कि हमारी जो हालत है बस से बदतर हो गई है। उसी प्रोग्राम को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में मदनलाल वाल्मीकि जी, आइए हम इनसे बात करते हैं कि सर ये जो आज जो धरना प्रदर्शन ये अप्रेंटिस दे रहे हैं सर, इनका मुख्य कारण क्या है? इनका मुख्य कारण ये है कि हमारी गूंगी बहरी सरकार है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की। मैं बीजेपी का पूर्ण निगम पार्षद हूँ और दिल्ली का आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, दिल्ली प्रांत का टोली का सदस्य हूँ। आज जो है रेल मंत्री ब्यूरोक्रेट का गुलाम हुआ हुआ है और ये लोग इतना मतलब परेशान है, पूरे देश के रेल की हालत नाजुक हो रखी है, सारा निजीकरण कर दिया है, सरकारी कोई काम धाम नहीं है। ब्यूरोक्रेट जो है जिस मर्जी से अपना पीछे के रास्ते से भर्ती कर लेता है और जिसको मर्जी ट्रांसफ़र कर देता है, जो उसकी कोठी पे काम करता है उसको तो रखता है और नहीं तो भाग कहीं जींद कहीं रोहतक। कभी हम लोग मिले थे, हमारे श्याम ठाकुर जी हमारे साथ थे, हम DPO से बात की थी लेकिन वो कोई सुनने वाला ही नहीं है। सरकार हमारी पता नहीं क्या हो रही है, 10-10 घंटे 8-8 घंटे रेल लेट आती है। मोदी जी अकेले क्या करेंगे, हम मोदी जी के समर्थक हैं, मोदी जी की जान दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, लेकिन उनके मंत्रालय तो ढील पूरे गूंगे बह रहे हैं, कोई काम करके राजी नहीं है किसी का भी। रेल के इन लोगों ने जो 3 साल काम किया हुआ है, ये स्किल इंडिया की बात करते हैं हमारे RSS के अधिकारी। अभी आज हमारा कैंडल मार्च है शाम को 6 बजे, हमारे 10 सफाई कर्मचारी मर गए हैं, मैं दिल्ली प्रांत का संयोजक हूँ वाल्मीकि समाज का और हमारी पूरी टीम आ रही है उसके, और वो आज हम कैंडल मार्च है तो हम लोग जो स्किल इंडिया की बात करते हैं हमारे RSS के अधिकारी, कहाँ ये भी तो स्किल इंडिया के बच्चे हमारे, तो इनको कहाँ रोजी दे रहा है, कहाँ वो अपना कौशल विकास योजना कहाँ चली गई, ये सरकार में सीख के आए अब इनको क्यों नहीं रखा जा रहा, स्किल इंडिया फेल है सब कुछ। मैं अपने RSS के अधिकारियों से भी बात करूँगा, हम लोग दबते दबाते नहीं है, अगर इनकी काम पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं रेलवे बोर्ड का AK मित्तल का और GM का दिल्ली GM का पूरी कोशिश करेंगे, काला मुँह करेंगे, जूतों का हाथ डालेंगे, चाहे मुझे कितनी भी जेल मेरे को ठोक देंगे। महेंद्र वाल्मीकि जी, आपने मदन वाल्मीकि जी आपने BJP की बात करी, तो BJP के अंदर नरेंद्र मोदी जी का आपने कहा कि हम जान दे देंगे मर जाएंगे, उन्होंने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया था। नीचे सारे बता रहे हो ना, सब पंगू बैठे हैं, सब नीचे ने पता ही नहीं है रेल मंत्रियों को, जो आ गया कोई कांग्रेस से आ गया, कोई सपा से, कोई बसपा से, कोई शिवसेना से आ गया, उन्हें पता ही कुछ नहीं है। मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर चाइना से हम कितनी टक्कर ले रहे हैं तो हम मोदी जी के समर्थक हैं, पूरा देश मोदी जी का समर्थक है, लेकिन जो मंत्रालय है सब लोग थके हुए हैं। हमारे जैसे लोगों को बिठाए ना जो दबंग है काम करने वाले, क्यों काम करें ना, मंत्रालयों की रिपोर्ट तो ले, वो क्या कर रहा है मंत्रालय, ये हमारे बच्चे हैं। स्किल इंडिया देखो ना जी, कहाँ स्किल इंडिया मोदी जी की, हम लोग कर रहे हैं। अब आप शाम को देखना, आप कैंडल मार्च हो रहा है हमारा 10, हाँ हाँ शाम को 6 बजे सफाई कर्मचारी 10 मर चुके, कोई उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे। केंद्र में दिल्ली से BJP बैठी है और नीचे आप बैठे हैं और MCD में BJP बैठे, कोई काम ही नहीं कर रहा है। सर क्या कारण है कि पहले एक ही आयोग हुआ करता था, SC ST उसे बोला करते थे, अब इसी के 3 बंटवारे कर दिए, ये मुख्य कारण क्या रहा? एक सफाई कर्मचारियों का एक उनका नाम ही अलग दे दिया, जो पहले से गुलाम थे और आज भी गुलाम रखना चाह रहे हैं। आज भी गुलाम है, हम लोग कहीं भी नहीं है, हम तो अंतिम कड़ी के लोग हैं, हम तो मैला ढोने वाले सारे दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात और है, दिल्ली के अंदर सर पे मैला कोई नहीं ढोता लेकिन सीवर के अंदर नरक तक अंदर अभी भी घुसता है और वो आज बच्चे हमारे मर रहे हैं। जब मैं 97 से लेकर 2002 तक निगम पार्षद था, BJP की सरकार थी, हमने साहिब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर थे, उनको डेलीगेशन लेके गए थे कि भाई इनके लिए सारा गम वगैरह, इनका जो ऑक्सीजन वगैरह कहाँ है, वो सब बेच के खा जाते हैं, ये कहीं है ही नहीं कुछ नहीं, बहुत बुरी हालत है, देश की दुर्दशा है बहुत। जो आयोग के अंदर सफाई आयोग के अंदर जो मेंबर बनाए, क्या आपके उनसे वार्तालाप हुई कि 10 मेंबर मर आयोग के सदस्यों को भी बुलाया था, चेयरमैन को भी बुलाया था, लेकिन वो थके हुए लोग हैं, दूसरे स्टेटों से आते हैं, गुलाम है वो, उनको तनख्वाह मिल रही है, भूखे मर रहे थे वो, रोटियां मिल रही हैं उनको यहाँ, या कुर्सियाँ AC में बैठे हैं। जितने भी आयोग के चेयरमैन बनाए, विधायक बनाए BJP के पूर्व, या जो BJP ये अपनी वोटों की राजनीति की हमारे से केंद्र सरकार ने, कोई दबंग आदमी नहीं बिठाया जो किक काम कर, आयोग को कौन पूछ रहा है, वो सब बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करते। अभी बताया कि बाल ये जो बेवकूफ़ बनाने वाले आयोग में बिठाए हैं, सर ये जो लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा साथी हैं, सर मैं आपका इंट्रोडक्शन, मेरा नाम श्याम ठाकुर है और मैं महामंत्री उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन का हूँ, तो
सर, इनका जो धरना प्रदर्शन है और रेलवे के अंदर इतनी यूनियन है, ये पहली यूनियन से आप शायद इनको संबोधित करने के लिए आए हैं? बड़े बड़े वायदे करते हैं यूनियन कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, सर आपका क्या मानना है इनके साथ? देखिए, पहले तो आपने यूनियन वाला विषय बताया, इस देश की विडम्बना, क्योंकि देखिए इनमें से अधिकतर लोग, हमने पहले भी जिक्र किया कि रेल कर्मचारी के बच्चे हैं। आज इस समाज को, इस श्रम उद्योग का जो विघटन करने वाले जो तत्व हैं, वो सिर्फ रेलवे में मजबूत होने के कारण वो देश का विघटन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, राष्ट्रीय स्तर पर एक HMS यूनियन है, हिंद मजदूर सभा, जो रेलवे में AIRF है, और मेराज वाला जो जोन है उत्तर रेलवे में NRMU है। अगर आप इनका इतिहास उठा के देखेंगे तो ये वो कम्युनिस्ट लॉबी है जो चाइना को सपोर्ट करती है, और जब चाइना यहाँ अटैक करता है तो ये कहते थे 1962 में कि एक मुक्तिवाहिनी सेना आ रही है जो इस भारतवर्ष को आज़ाद करवाएगी। और आज भी अगर आप केरल की स्थिति देखें तो किसी से छुपी हुई नहीं। तो क्या है कि हमारा जो रेल कर्मचारी है वो इतना सीधा है कि इन लोगों ने, और दूसरा एक यूनियन इंटक का है जो कांग्रेस का है, आज़ादी के साथ ही ऐसी JCM की, नेशनल JCM की ऐसी व्यवस्था बना दी हुई है कि सारी की सारी जो कंट्रोलिंग है वो इनके हाथ में है। और उसके लिए सिर्फ रेलवे, अगर हम ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो संगठित क्षेत्र जो है सिर्फ 5% है, मगर वो 5% संगठित क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रहा है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्थाओं को अपने अनुसार बना लिया है। और ये बच्चे जो हैं, ये उसी, जैसे आपने कहा कि विभिन्न विभिन्न यूनियन से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रेल में हो क्या रहा है? देखिए, हम आज़ादी हो गए हैं, 70वीं वर्षगांठ हमने मनाई, 71वां स्वतंत्रता दिवस हो गया, मगर अगर आप देखें तो हमारा जो सिस्टम है वो टोटली अंग्रेजों वाला है। हम मानसिक तौर से गुलाम हैं, क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट्स को जो एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि बाकी जो लोग हैं उनको वो एक गुलाम की नज़र से देख रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में चली जाइए। रेलवे के अंदर ये क्यों आ गई हैं? क्योंकि रेलवे का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है। नॉर्दर्न रेलवे की अगर मैं बात करूँ, बनारस से लेके बड़गांव, जहाँ आतंकवादियों का राज है, वहाँ तक जाता है क्षेत्र। अगर कोई कर्मचारी इनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगेगा तो उस कर्मचारी को ये ट्रांसफ़र करके बड़गांव भेज देंगे। अब जो अपने बच्चे परिवार के साथ यहाँ रह रहा है उसकी तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। ऐसे में ही ऐसी मानसिकता का विरोध करने वाली जो ट्रेड यूनियन होनी चाहिए थी, उन लोगों ने ये काम ना करके दलाली शुरू कर दी। और ये साथी हैं, इनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग जोन के हैं, जहाँ पैसा देके अप्रेंटिस की भर्ती भी हुई होगी, क्योंकि ये एक धंधा भी बनाया गया था। ये पैसा देके भर्ती होना, जैसे हमारे संगठन मंत्री जी ने बात करी कि इन्होंने वो पावर्स रख रखी हैं। देखिए, इनको अपना घर का काम कराने के लिए ये 3 साल के अंदर किसी भी नौकर को, बंगला पीएन को अपॉइंट कर सकते हैं। GM जाता है 30-35 लोगों को अपॉइंट कर जाता है। क्या उनके दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं आती कि ये भी पार्ट ऑफ करप्शन है? भाई, आप अपॉइंटमेंट किस चीज़ की कर रहे हो? और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ऐसे ऐसे विषय आते गए हैं कि बंगला पीएनों के डेबिट कार्ड, पहले जो CRB थे उनकी पत्नी ने बंगला पीएन का डेबिट कार्ड अपने पास रख लिया और घर में विस्की पीती थी और उसको सैलरी नहीं लेने देती और मारती पीटती थी। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जैसा मदन जी ने कहा कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर जो उनके नीचे के जो एलिमेंट है, जो नीचे का सपोर्टिव जो लोग हैं, वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, वो डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये जो 70 साल में जो आपको सरकार मिली है, ये विशुद्ध रूप से भारतीय मूल संस्कृति, मूल विचारधारा की सरकार है। इसीलिए आपसे सब लोगों की उम्मीद है, आप उस उम्मीद को पूरा करिए। पहले क्या होती थी, धंधेबाजी होती थी, आज वो कम हो गई है, आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। मगर अगर हमारा ये इतना जो रेलवे में जो यंग जनरेशन है, अगर ये ब्रेन ड्रेन होगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आज अमेरिका से हिंदुस्तान के अंदर लोग वापस आ रहे हैं, कनाडा से वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने देश के साथ जुड़ेंगे, मगर ये कहाँ खड़े हैं जो हमारे देश के साथी, हमें कहाँ खड़े हैं? और इसके पीछे जिम्मेवार क्या है? ये ब्यूरोक्रेट्स, जिन्होंने हम सब लोगों को गुलाम बना रखा है। और हमारे यहाँ जो मान्यता प्राप्त, जो पिछले 70 साल से रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन है, उन्होंने अफसरशाही को इतना पावरफुल बना दिया, एक बिजनेस के रूप में। आप छोटी से छोटी चीज़ ले जाइए, वहाँ धंधा होता है। फिरोजपुर के अंदर ऐसे ऐसे हमने किस्से सुने हैं कि लार्जी स्कीम होती थी एक गैंगमैन के वर्सेस, उसके बच्चे को नौकरी दी जाती थी, वहाँ 50,000 रुपया लिया जाता है। मकान अलाट कराना है, 20,000 रुपया दीजिए,
ये सब ये रेल कर्मचारी हैं, ये इनके परिवार में ये चीज़ें हुई हुई होंगी, इन्होंने सुनी हुई होंगी। तो ऐसी ऐसी जो स्थितियाँ हैं, ऐसी स्थितियों में आप क्या करेंगे? इनकी उम्मीद है। और भारतीय मजदूर संघ हम सब लोग उसके अंग हैं, हम लोग इनकी आवाज़ उठाएंगे। और पिछले लगातार ये 2 साल से 3 साल से ये विषय चल रहा है और ये बच्चे जो हैं अलग अलग माध्यम से संपर्क में आए हैं और इनकी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए, इसलिए हमने अपने जो संगठन मंत्री हैं भारतीय रेल मजदूर संघ के डीके चक्रवर्ती दादा, उनको बुलाया क्योंकि वो खुद भी एक एक्ट अप्रेंटिस रहे हैं। तो इस विषय के ऊपर नो डाउट सरकार को झुकना है और इन बच्चों की अपॉइंटमेंट होनी है। और हम चाहते हैं कि जिस मिशन के ऊपर मोदी जी निकले हैं उस मिशन के ऊपर आगे बढ़े ना। ये किन चीज़ों में उलझ रहे हैं? ये ब्यूरोक्रेट्स ही आज रेल की व्यवस्था का सत्यानाश करने वाले सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स की वजह से जितने यहाँ ब्यूरोक्रेट्स